वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ डैम्स एंड स्पीडवे. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक अर्थ डैम एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ डैम एंड हाउ द कंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड ऑफ अर्थ डैम एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइपिकल सेक्शन ऑफ अर्थ डैम्स. ओके सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग डैम्स एंड स्पीडवे के टॉपिक्स अर्थ डैम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थ डैम कितने टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं अर्थ डैम का, टाइपिकल सेक्शंस अर्थ डैम का क्या क्या है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है. ओके सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि पहले हम लोग ग्रेविटी डैम्स के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रेविटी डैम्स का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. ओके आपके एग्जामिनेशन में या आपके सिलेबस में मेनली 2 डैम्स के बारे में स्टडी करने हैं, ग्रेविटी डैम्स के बारे में और अर्थन डैम्स के बारे में. ओके सो ग्रेविटी डैम्स के बारे में जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में पढ़नी थी या जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस, हमने सबको डिस्कस किया है और सारे को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो आई होप कि आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा और उसका नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा, मुझे उम्मीद है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थन डैम्स के बारे में. सो जैसा नाम से ही क्लियर है, अर्थ डैम्स मतलब वैसा डैम जो अर्थ से बना हुआ हो उसे हम लोग अर्थन डैम्स कहते हैं. सो इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है और कंस्ट्रक्शन टाइप से थोड़ा डिफरेंट है ग्रेविटी डैम से. ओके किस तरीके से डिफरेंट है देखते हैं हम लोग आगे. द डैम विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अर्थन मटेरियल्स, वैसा डैम जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है अर्थन मटेरियल से सच एज ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर कॉल्ड एज ए अर्थन डैम्स. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ग्रेविटी डैम्स में हम लोग क्या करते थे, मैसोनरी से बना हुआ स्ट्रक्चर होता था, बट यहाँ पे या तो ग्रेवल से बना हुआ होगा या सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, ये सारी चीज़ें से बने हुए डैम्स को हम लोग अर्थन डैम्स कहते हैं. ओके इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में, यानी अर्थन डैम्स का जो टॉपिक से टोटल ख़त्म होने के बाद में हम लोग डिफरेंसेस को देखेंगे कि ग्रेविटी डैम्स और अर्थन डैम्स में डिफरेंसेस क्या होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्थन डैम, जो कि हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में देखेंगे. ओके सो इट हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विथ अ टॉप विड्थ 3 to 10 meters एंड अ स्ट्रीम स्लोप ऑफ 1 इज वर्टिकल टू 2.5 to 4 हॉरिजॉन्टल डाउन स्ट्रीम स्लोप ऑफ 1 वर्टिकल टू 2 to 3 हॉरिजॉन्टल्स. ठीक है, अब देखिए इसका जो सेक्शन होता है कैसा होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है, जबकि आप लोगों ने देखा था ग्रेविटी डैम के अंदर में वो राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप का होता था. ओके सो याद रखिएगा अर्थन डैम्स का जो सेक्शन होता है वो ट्रेपेजॉइडल होता है. ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा नहीं कि अर्थन डैम के अंदर में भी आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल मार के आ जाएंगे. अर्थन डैम्स जो होता है उसका सेक्शन होता है ट्रेपेजॉइडल्स. ओके इसका टॉप विड्थ होता है 3 to 10 meters बट इट्स नॉट फिक्स, मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशंस. ओके अप स्ट्रीम स्लोप 1 vertical to 2.5 to 4 horizontal बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशंस. नेक्स्ट डाउन स्ट्रीम स्लोप 1 vertical to 2 to 3 horizontals. ओके सो ये कुछ बेसिक्स थे अर्थन डैम्स के बारे में. आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो गया होगा अर्थन डैम्स मतलब वैसा डैम जो अर्थ मटेरियल से बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है, सिल्ट से बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, अर्थन डैम्स कहलाती है. ओके अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ अर्थन डैम्स के बारे में. ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. स्टेट द वेरियस टाइप ऑफ अर्थन डैम्स एंड राइट नेम ऑफ कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर इट. ओके और इस तरीके से पूछे जा सकते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ अर्थन डैम्स. ठीक है, सो द वेरियस टाइप ऑफ अर्थन डैम्स आर फॉलोज. फर्स्ट वन इज अ जोन टाइप अर्थन डैम्स, नेक्स्ट वन इज अ होमोजेनियस टाइप अर्थन डैम्स, थर्ड वन इज अ डायफ्राम टाइप अर्थन डैम्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अ डैम. कौन कौन से हो गए, जोन टाइप अर्थन डैम्स, नेक्स्ट होमोजेनियस टाइप ऑफ अर्थन डैम्स, नेक्स्ट डायफ्राम टाइप ऑफ अर्थन डैम्स. आप लोग लेक्चर को अच्छे से सुने एक दो बार, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा. ठीक है, फिर से आप नोट्स बनाएंगे तो आपका पूरा मतलब जो टॉपिक होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, अब देखिए हम लोग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर डैम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं. पहला रॉल्ड फील्ड अर्थ डैम्स, नेक्स्ट हाइड्रोलिक फील्ड अर्थ डैम्स, थर्ड है सेमी हाइड्रोलिक अर्थ डैम. ये किस तरीके से है, ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे डैम को भी 3 पार्टों में क्लासिफाई किया गया है. पहला है रॉक फील अर्थ डैम्स, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक फील अर्थ डैम, थर्ड वन इज अ सेमी हाइड्रोलिक अर्थ डैम्स. ओके अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम्स क्या है, किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं. पहला जो है साइट क्लियरेंस, साइट क्लियरेंस के अंदर में आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स दैट मीन्स रिफरेंस पॉइंट्स, है ना. सबसे पहले हम रिफरेंस पॉइंट को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं.
क्योंकि कोई भी सर्वे वर्क होता है तो आप लोगों को पता है एक बेंचमार्क होता है, वहाँ से ही हम सर्वे को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट पॉइंट चाहिए, यानी एक मॉन्यूमेंट चाहिए जहाँ से हम लोग सर्वे को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टिपिंग और बेंचिंग, नेक्स्ट एक्सकैवेशन ऑफ कट ऑफ ट्रेंच, नेक्स्ट एक्सकैवेशन ऑफ फिलिंग ऑफ सीपेज ड्रेन्स, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक टो, नेक्स्ट रेजिंग ऑफ अपस्ट्रीम केजिंग एंड हर्टिंग जोन्स, नेक्स्ट कीइंग टू फ्लैंक्स, फाउंडेशन ऑफ मैसनरी वर्क लाइक हेड रेगुलेटर एंड स्पिलवे, नेक्स्ट अर्थवर्क इन हर्डिंग एंड केजिंग, नेक्स्ट पीचिंग ऑन अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम इफ रिक्वायर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बट कुछ चीज़ें जो इसमें समझने के लिए है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक टर्म आया यहाँ पे पीचिंग। पीचिंग मतलब होता है कि आप लोग देखते हो रिवर्स, रिवर्स देखे हो ना, रिवर्स में जो पानी फ्लो हो रहा होता है उसके किनारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन का बोल्डर का पीचिंग करते हैं। द रीजन्स बिहाइंड द पीचिंग इज दैट कि जो इरोजन है, जो सॉइल का इरोजन है वो नहीं हो पाए। आप लोगों ने देखा होगा रिवर्स के अंदर में या फिर जहाँ पे वाटर का फ्लो होता है उसके किनारे किनारे हम लोग पीचिंग करते हैं, मतलब स्टोन का पीचिंग कर देते हैं ताकि जो वाटर फ्लो कर रहा है इसके कारण साइड के जो सॉइल्स है वो इरोड ना हो, हटे नहीं, उसको हम लोग पीचिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको एक समझने के लिए था जिसको मैंने आपको बताया। ठीक है, एक्सकैवेशन ऑफ फिलिंग सीपेज ड्रेन लाइंस, ये समझते ही हो। एक्सकैवेशन मतलब जो मिट्टी को जहाँ से कट करना है उसे एक्सकैवेट करके फिर से फिल करना, दैट इज कॉल्ड एक्सकैवेशन एंड फिलिंग ऑफ सीपेज ड्रेन्स लाइन। ठीक है, बाकी और चीज़ आप समझ सकते हो अपने से भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए टाइपिकल सेक्शन, हाँ चीज़ यहाँ आपको समझाना है, कंपोनेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। अब देखिए जो आपका मेन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट पार्ट एंड देयर फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो यही है अर्थन डैम्स का प्रोफाइल, ये अर्थन डैम्स का प्रोफाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लास्ट के प्रीवियस ईयर में कि व्हाट इज द टाइपिकल सेक्शन ऑफ द अर्थन डैम्स, तो यही अर्थन डैम्स का सेक्शन है जो कि ट्रेपेजॉइडल है, जो कि आपको फिगर से दिख रहा है। अब इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसके बारे में अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो ट्रेपेजॉइडल है, ऊपर में एक होता है पैरापिट वॉल 30 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ड्रेन होता है, उसके अलावा बर्म होता है। पहले आप टर्म को सुनते चले जाएं, फिर क्या क्या किसका क्या फंक्शन है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट रॉक टो होता है, इसके बाद हर्टिंग होता है, पिचिंग होता है, स्टोन पिचिंग होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें टर्म्स हैं इसके अंदर। HFL मतलब होता है हाई फ्लड लेवल्स। ठीक है, तो पूछा जाए क्या क्या डिफरेंट टर्म्स हैं, तो पैरापिट वॉल है, ड्रेन्स है, बर्म्स है, रॉक टो है, हर्टिंग्स है, पिचिंग ऑफ स्टोन्स है, ये सारी चीज़ें इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसमें से अगर पूछा जाए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट द फॉलोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी व्हाट अर्थन डैम्स। फर्स्ट वन इज अ पैरापिट वॉल, नेक्स्ट ड्रेन, थर्ड बर्म, फोर्थ रॉक टो, फाइव हर्टिंग, नेक्स्ट पीचिंग स्टोन और पीचिंग। ओके, सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हर्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं, कॉम्पोनेंट पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला हर्टिंग है, ये जो होता है सेंट्रल इम्परवियस सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द सेंट्रल इम्परवियस सेक्शन कंस्ट्रक्टेड विद क्ले सॉइल्स, है ना। ये जो बीच का जो पोर्शन होता है सेंट्रल इम्परवियस सेक्शन जो कि क्ले सॉइल से बना होता है उसको हम लोग हर्टिंग कहते हैं। ठीक है, सॉइल से बना हो सकता है सिल्ट क्ले से, कॉम्पैक्टेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विच प्रोवाइड्स वाटर टाइटनेस टू द डैम एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट स्लिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कंट्रोल सीपेज फ्लो थ्रू दी बॉडी ऑफ द डैम्स। तो सिंपली आपने समझा कि हर्टिंग क्या होता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सो हर्टिंग इज ए सेंट्रल इम्परवियस सेक्शन कंस्ट्रक्टेड विद क्ले सिल्टी एंड कॉम्पैक्टेड स्टैंड एट OMC मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कॉन्टेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल के अंदर में OMC के बारे में, है ना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कॉन्टेंट के अंदर में इसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है वहाँ पे सीपेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में अगर आ गया है तो एक बार फिगर से मैं आपको दिखा दूँ, यही पार्ट वाला ये पार्ट है हर्टिंग है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इम्परवियस मटेरियल यानी क्ले और सिल्ट से बना हुआ है जो कि सेंट्रल जोन में होता है जो कि सीपेज को कंट्रोल करता है। सो आई थिंक कि आपका हर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट है, केजिंग। सो केजिंग क्या होता है, इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ अ डैम एंड इज कंस्ट्रक्टेड विथ मुरम सॉफ्ट रॉक और सैंड ग्रेवल ETC। इट सर्व्स एज ए कवर और टू हर्टिंग एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रैकिंग। ओके, ये आउटर पोर्शन होता है डैम्स का, याद रखिएगा केजिंग इज द आउटर पोर्शन ऑफ अ डैम और किससे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मुरम से,
सॉफ्ट रॉक से और ग्रेवल से। आप लोगों को जब रोड बन रहा होगा तो देखोगे रेड कलर का मिट्टी होता है छोटा छोटा, जो रोड के नीचे में डाल करके उसको रोलर चला के कॉम्पैक्ट किया जाता है, उसी को मूरम कहा जाता है। ठीक है, सो ये आउटर पोर्शन होता है डैम का जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है मूरम के साथ में, सॉफ्ट रॉक के साथ में है, सैंड ग्रेवल्स के साथ में। ठीक है, और ये क्या काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि केसिंग का फंक्शन क्या होता है, इट सर्व्स एज ए कवर टू हर्डिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रैकिंग। ये हर्डिंग को क्या करता है, कवर प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, और क्रैकिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट, इट डेवलप शेयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लिप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ डैम, इट ऑल्सो हेल्प इन ड्रेनेज। सो क्या करता है, स्लीपिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा डैम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन ड्रेनेज, और ये ड्रेनेज में भी हेल्प करता है। ओके, सो केजिंग का फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कट ऑफ ट्रेंच, COT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COT, कट ऑफ ट्रेंच। सो इट इज एक्सकैवेटेड बिलो ग्राउंड लेवल अंडर हर्डिंग जोन्स एंड फिल्ड विद द सेम मटेरियल एज दैट ऑफ हर्डिंग्स। ओके, सो इट प्रिवेंट, अब इसका क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट ओवरटर्निंग ऑफ डैम्स, इट ऑल्सो प्रिवेंट पाइपिंग ऑफ डैम थ्रू द फाउंडेशंस, नेक्स्ट इज ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग सीपेज फ्लो थ्रू फाउंडेशंस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ ट्रेंच क्या होता है। सो कट ऑफ ट्रेंच क्या होता है, ये जो है हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे एक्सकैवेशन करते हैं अंडर हर्डिंग जोन्स, हर्टिंग जोन्स के नीचे में जो ग्राउंड लेवल है उसको हम लोग एक्सकैवेट करते हैं और उसको फिल्ड करते हैं सेम मटेरियल से। कौन सा सेम मटेरियल, जो हर्टिंग में हमने यूज़ किया है, यानी कि जो इम्परवियस मटेरियल हर्टिंग के अंदर में यूज़ किया था, उस मटेरियल से एक्सकैवेटेड पार्ट को हम लोग फिल करते हैं। अब इसको फिल करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसका जो बेनिफिट है, ये डैम को ओवरटर्निंग से क्या करता है, बचाता है, ये डैम्स को ओवरटर्निंग से प्रिवेंट करता है, और इसके अलावा ये पाइपिंग फेल्योर से भी डैम्स को बचाता है। पाइपिंग फेल्योर क्या होता है, मतलब डैम से अंदर में अगर ग्राउंड लेवल से जाकर के पानी अंदर चला जाए तो वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर काम करता है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट के दो लेक्चर में देखा होगा अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, जब मैं ग्रेविटी डैम पढ़ा रहा था, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है यानी रोकता है। इसके अलावा इट हेल्प्स ऑल्सो रिड्यूसिंग सीपेज फ्लो थ्रू दी फाउंडेशंस, जो फाउंडेशन से सीपेज का फ्लो हो रहा है, आई होप कि सीपेज आप समझ रहे होंगे, पानी का जो फ्लो होता है ग्राउंड के अंदर में, वाटर का जो फ्लो होता है ग्राउंड के अंदर में, उसको सीपेज कहते हैं। सो इसको भी वो प्रिवेंट करता है, दैट इज COT, दैट इज अ कट ऑफ ट्रेंच। ओके, सो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ से क्लियर हो रहे हैं अर्जेंट टाइम्स के। ठीक है, नेक्स्ट रॉक टो क्या होता है, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रॉक पीसेज which help to prevent slogging of toe due to seepage flow and increase the stability of dam, care should be taken that minimum depth of toe। अब देखिए toe का जो main function क्या है, toe होता है क्या है, ये जो होता है rock piece से बनाया जाता है, किसे बनाया जाता है, rock piece से बनाया जाता है, जो कि slogging को prevent करता है। अब स्लॉगिंग क्या होता है, स्लॉगिंग मतलब सीपेज के कारण, मान लो फाउंडेशन के अंदर में सीपेज होगा पानी का, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ का स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, उसी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग रॉक टो प्रोवाइड करते हैं। सो रॉक टो आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिगर से दिखा देता हूँ मैं आपको, रॉक टो यही वाला पार्ट है, देख रहे हैं ना, ये स्टोन से बना हुआ है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो है आपको सीपेज को यानी स्टेबिलिटी कंडीशंस को ये बनाए रखता है डैम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पिचिंग, ये मैंने आपको बताया था जो स्टोन को हम लोग किनारे किनारे पिचिंग कर देते हैं ताकि वो इरोजन को रोक सके, वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जाएंगी आपको। इट इज़ अ लेयर ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम साइड विच प्रिवेंट क्रोजन, एक्चुअली में ये क्रोजन नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये इरोजन होता है, यहाँ पे सी की जगह पे ई है, ठीक है ना, यानी इरोजन, इसको इरोजन कहते हैं, क्रोजन इज अनदर थिंग। ओके, क्रोजन मतलब होता है कि जो लोहा में जंग लग जाता है उसको क्रोजन कहते हैं, यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है इरोजन, ठीक है, बाय द वे मिस्टेक हुआ है, इरोजन मतलब होता है कि पानी के फ्लो के कारण जो कि किनारे से सॉयल होता है, मिट्टी जो होता है उसका कट जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। तो मान लो कि पानी फ्लो कर रहा है और फ्लो कर रहा है जिसके कारण से मान लो स्टोन पिचिंग नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पे इरोजन हो जाता है, तो इरोजन को रोकने के लिए हम लोग किनारे से बोल्डर यानी कि बड़ा बड़ा पत्थर को डाल करके पिचिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इट इज़ अ लेयर ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड ऑन अपस्ट्रीम साइड विच प्रिवेंट इरोजन ऑफ केजिंग ऑन अपस्ट्रीम फेस कॉज्ड ड्यू टू वेव एक्शन के कारण, पानी के वेव एक्शन के कारण वहाँ पे इरोजन होता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट स्लोप फ्रॉम सडन ड्रॉडाउन, और जो स्लोप होता है उसको सडन ड्रॉडाउन से यानी घसकने से यानी फेलियर से उसको रोकता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, आपको फिगर से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब पिचिंग क्या होता है, देखो यही पिचिंग है, यहाँ पे यही पिचिंग किया गया है ताकि जो पानी फ्लो कर रहा है और किनारे से जो हमारा सॉयल है उसको इरोड होने से बचाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टोन का यहाँ पे पिचिंग किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है टर्फिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास प्लांटेड ओवर द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम विच प्रोटेक्ट डाउन स्ट्रीम स्लोप फ्रॉम इरोडिंग एक्शन ऑफ रेन वाटर्स। टर्फिंग मतलब होता है कि आप वहाँ पे ग्रास का, ग्रास से जो प्लांटेड प्लांट जो होता है, ग्रास प्लांट जो होता है, उसको हम लोग वहाँ पे किनारे किनारे लगा देते हैं ताकि जो इरोजन है उसको मिनिमाइज कर सके। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा नहर वगैरह में या फिर जो भी कैनाल्स होते हैं वहाँ पे किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं ताकि जो सॉयल को बांध करके रखे, ताकि जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसके कारण मिट्टी को इरोड ना हो सके। इसके लिए हम लोग वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, ग्रास को ये करते हैं, उसको हम लोग टर्फिंग कहते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप लोगों ने कैनाल्स नहर वगैरह में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा तो वहाँ पे देखना नहर के किनारे किनारे प्लांटेशन किया जाता है ताकि जो सॉयल है उसको बांध करके रखे, ताकि इरोजन को, यानी जो पानी के कारण जो सॉयल का मतलब हट रहा है उसको रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट है बर्म्स। ठीक है, अब बर्म्स क्या होता है? दीज आर ऑप्शन प्रोवाइडेड ऑन डाउन स्ट्रीम फेस एट 8 to 10 meter वर्टिकल इंटरवल ऑफ 3 to 5 meter विड्थ। अब बर्म्स का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ बम्स आर इट प्रोवाइड रोडवे फॉर द व्हीकल्स। मान लो कि आपका जो डैम है वहाँ से व्हीकल्स का वहाँ पे एकोमोडेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग बर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ रेन वाटर फॉलिंग ऑन स्लॉप। अगर आप वहाँ पे बर्म प्रोवाइड कर दोगे तो जो रेन वाटर बारिश हो रही है डायरेक्ट स्लोप से ना जा करके वहाँ पे बर्म्स पे जा करके उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट कलेक्ट रेन वाटर एंड डिस्पोज इट ऑफ सेफली। और बर्म का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि रेन वाटर जब बारिश हो रही होती है तो उसके पानी को कलेक्ट करके आसानी से उसको डिस्पोज ऑफ करता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एक बार मैं बर्म आपको दिखा दूँ फिगर में, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, यही बर्म है क्या आप देख रहे हैं। तो बर्म का मेन फंक्शन है कि यहाँ पे ये व्हीकल को, व्हीकल के एकोमोडेशन को, यानी व्हीकल जब वहाँ पे पास करे, फ्लो करे, उसको एकोमोडेट कर सकता है। इसके अलावा डैम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो वाटर, जो रेन के कारण वाटर बारिश होती है उसको कलेक्ट करके सेफली डिस्पोज ऑफ करता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रेविटी, सॉरी अर्थन डैम्स। सो ये चीज़ें अर्थन डैम्स की इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि पैरापेट वॉल मैंने बताया, बर्म्स बताया, ड्रेन्स बताया, रॉकटो बताया, हर्टिंग्स बताया, पिचिंग स्टोन्स बताया, यही चीज़ें हैं। अगर आपने इतना कुछ सुना होगा तो आप एग्जाम में जरूर 5-7 लाइन लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे होंगे और इसके कंप्लीट होने के बाद में आप लोग नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।